और जो फर्स्ट बार मेडिकल दे रहा है, और वो भी अच्छा से आप लोग रहिए, और आप लोग बिल्कुल घबरा नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम में मेडिकल दिया था, सिलेक्ट हो गया था, और आप लोग भी सिलेक्ट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक हो? वैसे मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज आप लोग लेके आया एक नया स्पेशल वीडियो, क्योंकि दोस्तों क्या मेडिकल के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपका हाथ में अभी टाइम नहीं है, आज हो गया 9 तारीख और आपको 12 तारीख से स्टार्ट है मेडिकल। दोस्तों इसलिए क्या आपका 1 या 2 दिन है, और देखिए इसमें किसी का प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं। अभी देखिए किसी का नॉर्मल है, किसी का हार्ट प्रॉब्लम है, मतलब क्या कर सकते हैं। अभी अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, जिसका प्रॉब्लम है अभी, कुछ ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, आप अभी मत करिए, क्योंकि अभी आपका हाथ में टाइम नहीं है, बाद में आपको क्या पछताना पड़ेगा। दोस्तों अभी देखिए कैसा कैसा आदमी आपको पास हो सकता है। जैसे आपका नॉर्मल पॉइंट है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो हार्ड पॉइंट है आपको किस में आपको रीमेडिकल मिल सकता है दोस्त। क्योंकि दोस्तों क्या है, आपका हाथ में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 दिन है सिर्फ। इस 2 दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या खा के जाइए और कैसे आपको मेडिकल कराएगा। देखिए दोस्तों शुरू से मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, आप मेडिकल से पहले 1 दिन पहले आप ड्रिंक नशा आप मत करिए, क्योंकि दोस्तों उसमें नशा करने से आपको क्या है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है मेडिकल का। जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन आपका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप फर्स्ट बार बोलता हूँ मैं आपको नशा नहीं करना चाहिए रात को। उसके बाद दिन को आप एक दिन पहले आप नशा नहीं करना चाहिए, आप अच्छा से रहो, खुश रहो, क्योंकि देखिए नशा करने से आपका क्या है, बीपी जो है आपका बढ़ सकता है दोस्तों। और बीपी में छोटा सा गलती में आप फेल हो सकता है, अनफिट कर देगा, तब क्या फायदा है। इसलिए दोस्तों आपको फास्ट बताना चाहता हूँ मैं, आप ड्रिंक नहीं करना चाहिए। दूसरा बात है आपको खाना क्या खाना चाहिए मेडिकल से पहले, 1 दिन पहले आप क्या खाना है रात को। दोस्तों क्या है, नॉर्मल भोजन करना है, जैसे आपको रोटी हो गया, इसके बाद सब्जी हो गया, मतलब जैसे तो इधर कुछ भी हो, आपको हल्का सा आपको भोजन करना है रात को, क्योंकि ज़्यादा खाने से भी आपका सुबह तक आपका क्या है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है। इसलिए दोस्तों क्या है, आप ये बिल्कुल ध्यान देना खाने बारे में। उसके बाद दोस्तों आप सुबह जब जाएगा मेडिकल के लिए, आपको क्या खा के जाना है सुबह के टाइम। सुबह दोस्तों जो भी, जैसे आपको 7:30 बजे का टाइम दिया है, आप सुबह पानी पी सकता और चाय पी सकता, बाकी आप कुछ मत खाओ। क्योंकि दोस्तों क्या है, उधर जाने के बाद आपको क्या है, कैंटीन मिल जाएगा, उधर क्या क्या टेस्ट होगा आपको तो पता नहीं है। इसलिए क्या दोस्त, पहले आप इधर से कुछ मत खा के जाइए, खाना नहीं है, क्योंकि उधर कैंटीन मिलेगा सब कुछ आपको लिए, उधर वो गाड़ी खड़ा करके रख देगा कैंटीन का सामान लेके आके। इसलिए दोस्तों आप टेंशन नहीं लेना है वो खाने का, आप अच्छा से मेडिकल करने के लिए जाइए, मेडिकल अच्छा ही होगा। और आपको बता देता हूँ जो भी प्रॉब्लम है जिसी का, उसका मैं बता देता हूँ। देखिए जिसका अभी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप घबराना नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो आपका प्रॉब्लम है तब भी आप पास हो सकते हैं। कैसे, देखिए जिसका आपको मैं पहले भी बताया, आई वाला बहुत ही ज़्यादा मेरा भाई का है प्रॉब्लम, उसको मैं बताना चाहता हूँ। 6x6 या 6x9 के अंदर जिसका डिस्टेंस है वो आदमी पास हो जाएगा। देखिए वो आदमी पास हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्यों पास हो जाएगा 6x6 या 6x9, उसका जो मतलब जो कैपेसिटी है 1 या 2 गलत होगा, और होने से वो आराम से पास हो जाएगा आई में। इसलिए दोस्तों क्या है, आप घबराना नहीं, आप आराम से पढ़ लेना, जो भी देगा आपको आराम से पढ़ लेना। उसके बाद कलर विज़न भी आप अच्छा से देख लेना, नहीं तो आप मतलब ऐसे जब पेज और पलटी मारते रहेगा तो आपको ध्यान नहीं देगा, तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों कलर विज़न भी देख लेना है, छोटी मोटी गलती है ये। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा गलती के लिए आपको रीमेडिकल मिलेगा, अनफिट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो भी है आपका हाथ में, 1 या 2 दिन में आप सुधारने वाला जो पॉइंट है, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ मेडिकल के। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको मैं पहले वीडियो बनाया, डॉक्यूमेंट्स के इसलिए इतना ये नहीं, जो पहले आपको फिजिकल में लगाई इस बार भी वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसलिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में खास इतना ये नहीं है। उसके बाद बताता हूँ दोस्तों क्या है, आपका जो भी है ना अंदर का जो प्रॉब्लम है, वो आप घबराना नहीं है, हल्का जो ब्लड है नॉर्मल आपका ब्लड जैसे रहता है वैसे टेस्ट होगा, चेस्ट हो गया आपका, चेस्ट में भी इतना कुछ आदमी नहीं निकलेगा। उसके बाद आप
मतलब जो सोता मतलब स्किन का प्रॉब्लम है उसमें भी आपका कुछ नहीं होगा, आप घबराना नहीं है अभी, मतलब क्या होगा कैसे क्या होगा मेडिकल इतना सोचेगा तो आप पास नहीं हो सकता, आपका ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। इसलिए क्या है आपको मैं बोल रहा हूँ, आप 100 से 90% आदमी पास हो जाएगा, एक सेंटर में जितना भी होगा 90% पास हो जाएगा, इससे जाएगा तो आप आपको कोई रोक नहीं सकता। देखिए छोटा मोटा सभी का प्रॉब्लम रहता है, आप अभी से डाउन हो जाएगा क्योंकि आपका हाथ में 2-3 दिन अभी स्टार्ट होने से 2-3 दिन समय है। इसलिए दोस्तों क्या अभी आप ना ऑपरेशन करेगा ना कुछ करेगा क्योंकि अभी करने से आपको ठीक नहीं रहेगा। बाकी और क्या बोल रहा आपको, जो फेरिकस बेंच है उसका भी बहुत आदमी का प्रॉब्लम है, वो भी जो भाई है वो भी आप लोग भी प्रॉब्लम मतलब क्या है, ज़्यादा घबराना नहीं है, वो आपका जो सरसों तेल है उससे हल्का हल्का मालिश करते रहिए। और आप ज़्यादा ये नहीं, नसीब का भी बात होता है, जिसका ज़्यादा है कम है वो तो पास हो जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो भी पास हो सकता है, डॉक्टर का ऊपर डिपेंड करेगा। और देखिए जो कलर विजन प्रॉब्लम है ना उसमें तो दरअसल उसमें तो निकल जाता है, तब भी किस्मत का है तो आप पास भी हो सकता है कलर विजन में, क्योंकि वो बचपन का पैदे से बीमार है वो तो ठीक होता है नहीं है, तब भी मैं बोल रहा हूँ वो कभी पास भी हो सकता है, किस्मत का बात ही है वो। उसके बाद जो है आपका नॉर्मली होगा जो भी है, हैंड देखिएगा आपको नॉर्मल देखेगा कि नहीं बोलो, उसके बाद आपको क्या है एल्बो जो है, उसके बाद पाउल उसका देखेगा, उसके बाद जो नोकने प्रॉब्लम है वो भी देखेगा। नोकने प्रॉब्लम तो मैं 2-3 वीडियो में मैं दिखा दिया आप लोगों को, वो अच्छा से देख लेना तो आप समझ में आ जाएगा, आप 100% पास हो जाएगा क्योंकि मैं पास हो गया था और आप भी पास हो जाओगे। इसलिए क्या है दोस्तों, क्या है मेडिकल से पहले में 1 या 2 दिन है, इसलिए आपको हल्का हल्का मतलब जो भी बात है कुछ और आप बात है थोड़ा सा बात के लिए आप क्या है आपको पता नहीं रहेगा, आप अनफिट हो जाएगा, ज़्यादा घबराना नहीं है, आप आराम से जाइए मेडिकल देने के लिए। क्या है मेडिकल में वही चीज़ देखिएगा आपका, कुछ बीमार है हल्का फुल्का है ना उसमें कुछ नहीं होने वाला आपको, पाइल्स का टेस्ट है, पाइल्स में भी आपको जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका क्या है मतलब क्या है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हल्का वाला का कुछ ये नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों क्या है आपको भी इस बार फौजी बनने के लिए आपको किया है, आपको मौका मिल रहा है और आप 100% पास हो जाइए और हमारे साथ इधर आके मिल मतलब क्या है आपको भी ऐसे मिलेगा जैसे मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसा मौका मिलेगा, आप भी इस साल में आप ज्वाइनिंग करेंगे जिसका हो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या आप घबराना नहीं है, मेडिकल में आराम से पास हो जाएगा, हार्ड या आसान ये अभी आप किसी को पूछना नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप सिर्फ क्या है खुद को विश्वास रखिए आप आराम से पास हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है आप ज़्यादा ये घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास अभी भागने से कुछ नहीं होने वाला है, जो भी है आने वाला है आपका देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या है आप मेडिकल का बारे में तो मैं बोल दिया हूँ आपको, आई का भी बारे में बोल दिया, उसके बाद नोकनी प्रॉब्लम भी बोल दिया और बस इतना ही है। आप अच्छा से रहिए क्योंकि अभी देखिए अभी ऐसा टाइम आ रहा है, अभी घर से भी मतलब मेरा हिसाब से तो नहीं निकलना है, और निकलने से भी थोड़ा सा मतलब देखना है क्योंकि हाथ पे टूट ना जाइए, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़रूरी है ये मेडिकल है, मेडिकल आपको हर बार तो मिलेगा नहीं ना। इसलिए दोस्तों क्या है जो भी भाई, और इसलिए क्या है इस वीडियो जो आदमी देख लिया ना वो आराम से पास हो जाएगा। देखिए मैं किसी को डाउन नहीं देता हूँ, फर्स्ट बात यह है, और मुझे जो देता है ना मतलब डाउन देने से कुछ नहीं होने वाला है, देखिए जो आपका किस्मत में है वही होगा। इसलिए दोस्तों सभी को मतलब क्या है उसको आगे बढ़ने के लिए क्या है उसको ऐसा बात बोलना चाहिए, आगे बढ़ने से आदमी को भी खुश हो जाए और मतलब आगे बढ़ने से मतलब ऐसे कभी भी डाउन नहीं देना किसी को। इसलिए क्या है दोस्तों आप लोगों को भी मैं बोल दिया हो, आप आराम से जाइए, आराम से मेडिकल करिए, 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ भी आपको बुलाएगा आप अच्छे से देखिए, क्योंकि गाइडलाइन छवि का एक ही है मेडिकल सेंटर का, हल्का फुल्का डॉक्टर का ऊपर ही होगा, मतलब कुछ आपको कोई मेडिकल में हल्का में उसको री मेडिकल मिलेगा, कई फिट करेगा डॉक्टर के ऊपर ही है सब कुछ। इसलिए क्या है दोस्तों आप साफ सफाई भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर को ना फर्स्ट इम्प्रेशन साफ सफाई, उसके बाद डिसिप्लिन, बाल दाढ़ी सब कुछ मतलब आपको देखना चाहिए ज़रूर, आप पूरा ऐसे जाएगा आपको दाढ़ी भी रखेगा बाल भी लंबा, तो ऐसे क्या हो गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा होने से आपको क्या है आनफिट भी कर सकता है विमान। और देखिए दोस्तों मेडिकल है क्या है विमान नहीं है वो भी अनफिट हो जाएगा, क्योंकि देखिए मेडिकल में क्या है आराम से रहना, आप बिंदास रहना, आप जाइए मन में भगवान का ऊपर
और उनका नाम लीजिए, जो माँ बाप का नाम लीजिए, जिसको मानता है आप, हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो, आप मान लीजिए भगवान का नाम, ऊपर वाला का नाम ले लेना, आप आराम से पास हो जाएगा, कोई बिल्कुल घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। बस इतना ही था वीडियो, और वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को प्यार मुझे बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, और ऐसे आप लोग देते रहना, और आप लोग भी ऐसे ना, अब इस बार ज्वाइन करना है इस बार आप लोगों को, और इसलिए आप लोग आराम से रहना है और आराम से मेडिकल दीजिए, सब पास हो जाएगा। और मैं भी दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग सभी पास हो जाइए, क्योंकि सभी का एक इच्छा रहता है, और मनोबल कभी भी डाउन नहीं करना है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।